और आज मैं बात करूंगी क्वार्ट्ज के बारे में। क्वार्ट्ज को इंडिया में बोलते हैं हिंदी में स्फटिक। स्फटिक कई प्रकार के होते हैं, कई रंग के होते हैं। उसमें से होता है क्लियर क्वार्ट्ज जो ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट रंग का होता है, ब्लू, पिंक, ग्रीन, और होते हैं मिल्की क्वार्ट्ज। आज मैं बात करूंगी रोज क्वार्ट्ज के बारे में जो पिंक क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये कुछ इस टाइप का होता है, ये माला में है, इसमें पिरोया हुआ है, ये कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, इसका रेंज आप मान सकते हैं 200 से 250 रुपये का आपको ये मिलेगा। अगर आप ये अफोर्ड नहीं करते हैं या शुरू में ट्राई करना चाहते हैं तो आपको ये प्यारा सा लॉकेट भी मिल सकता है। ये आपका पिंक कलर का है, ये आप देख सकते हैं पिंक है, और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट ये स्लाइटली पिंक जरूर होगा। इसका आप अगर केमिकल कॉम्पोजिशन जानना चाहते हैं तो वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है टाइटेनियम और मैग्नीशियम के ट्रेस होते हैं। टाइटेनियम जो होता है वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि बाहर के रेस से आपको प्रोटेक्ट करता है, और मैग्नीशियम जो होता है वो आपको हार्ट डिजीज से बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से अगर आप इसकी हीलिंग करते हैं, अगर इससे कोई भी हीलिंग थेरेपी यूज़ करते हैं तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं, RBC में फ़ायदा होता है। और ये होता है कि आप अगर किसी प्रॉब्लम से, किसी टेंशन से, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आपको रिकवरी मिलेगी। प्लस आप अगर इसको लें कि आपको इससे ब्यूटी ट्रीटमेंट लेनी है, इसका एक फेज़ है ब्यूटी का भी। ठीक है, ब्यूटी के लिए सबसे इजी तो ये होता है कि आप कोई ऐसा एक स्टोन लें, या फिर माला, या फिर कुछ भी आपको रॉ भी मिल सकता है। अगर रॉ भी लेते हैं तो उसको अपने पिलो के नीचे रखते हैं, उससे ये होता है आपके एक्ने में बहुत फ़र्क आता है और आपको प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। और अगर एक्टिव चाहिए कि तुरंत हमको इसकी हीलिंग चाहिए, तो इससे आप इसको क्लियर वाटर से धोएंगे, रेगुलर धोना पड़ता है तभी इसका काम होता है। ठीक है, उससे मसाज कर सकते हैं फेस में। और अगर इसकी टॉनिक बनाना चाहे तो वो भी बहुत आसान है। ऐसे कुछ स्टोन लेके, या रॉ स्टोन, जो छोटे बड़े क्रिस्टल्स जो भी हैं रोज क्वार्ट्ज के लेकर के, जिसको गुलाबी स्फटिक बोलते हैं, उसको लेकर के आप 200 ml की बॉटल में डाल दीजिए। आफ्टर 7 days वो टॉनिक बन जाएगा। उसको कॉटन में लेकर के आप डेली फेस पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपको फाइन लाइन्स, रिंकल्स, ये सब में बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर एक्ने की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल है, तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो हेल्थ बेनिफिट है कि अगर आपका ऑपरेशन होने वाला है, या दांत में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ चीज़ है जिससे ऑपरेशन से लोग डरते हैं, तो उस समय भी ये बहुत हील करता है। ऑपरेशन के पहले 1-2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले आप इससे हील होने का तरीका ये होता है, आप इसको हाथ में लें, हल्का सा रब करें, आँख बंद करें और 20 मिनट के लिए बिल्कुल शांति से ब्रीथ करें। आप हील हो जाते हैं और आपको फिर ऑपरेशन से डर नहीं लगता। पॉजिटिव आपकी तरफ से इतनी एनर्जी होती है कि डॉक्टर्स भी सब जो कुछ भी करते हैं वो पॉजिटिव में आंसर जाता है उसका। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपको फेस का बताया, बॉडी का बताया, उसके अलावा ये वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो इसको आपको पहनना पड़ेगा, या वो अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, लॉकेट हो, जो बॉडी से टच कर लो। 24 hours ये आप पहन सकते हैं, रिंग में पहन सकते हैं, माला में पहन सकते हैं, आप इसको लॉकेट से पहन सकते हैं, लेकिन आपके बॉडी से टच करना चाहिए। आफ्टर 20 days आपको इसका असर दिखने लगेगा। करता ये है, ये आपके वाटर को बैलेंस कर देता है, इमोशन को कंट्रोल करता है, जिससे डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन होने से वेट गेन बहुत जल्दी होता है। डिप्रेशन में एक ऐसे केमिकल निकलती है बॉडी में, जिससे आपका जो वेट रिडक्शन वाला ग्लैंड्स होता है वो थोड़ा सा कम काम करता है, और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खाते हैं और फिर वेट गेन होता है, और वाटर रिटेंशन भी होता है। तो ये वेट लूज़ करने में बहुत ही बेनिफिशियल है, आपके ब्यूटी के लिए बेनिफिशियल है। ये आपके बॉडी चक्रास जो कहते हैं, हीलिंग के लिए जो कहा जाता है, ये हार्ट के चक्र का काम करता है। आप ये होता है, हार्ट चक्र 2 होते हैं, एक लोअर होता है, एक हायर होता है। जो लोअर होता है वो ग्रीन कलर के आप स्टोन यूज़ करेंगे उसमें, लेकिन जो हायर होता है हार्ट के लिए वो पिंक स्टोन आप यूज़ करते हैं। पिंक में भी आप रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ये भी इमोशनल के लिए मैं आपको बताऊँगी, जैसे आपका ब्रेक ऑफ हो गया, या आपके लव में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपके मैरिज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है,
ऐसे सिचुएशन में भी आप इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने हस्बैंड वाइफ दोनों एक एक लॉकेट पहनिए और इसमें आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा आपको दिखेगा कि अच्छा बंधन हो रहा है और सारी प्रॉब्लम्स निकल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ये चीज़ नहीं है तो घर में आप रख सकते हैं वर्क प्लेस पे, जिससे कि आपके घर में अगर आपके जैसे मदर इन लॉ है या जो भी आप में बाउंडिंग अगर थोड़ी सी टूट रही है तो इसके रहने से वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। रोज क्वार्ट्ज हायर लेवल के हार्ट चक्रास में काम करता है। गुलाबी स्टोन कोई भी हो, पिंक स्टोन, पिंक क्वार्ट्ज जो होते हैं रोज क्वार्ट्ज हमेशा हार्ट चक्र में काम करते हैं। उसका काम ये होता है आपके सोल को पीस और काम करना, ठीक है। जितना आपका सोल पीस रहेगा, काम रहेगा, उतना आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं। ये वेल्थ भी लाता है, ये आपके लाइफ में आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी वजह से प्रॉब्लम है, मेंटली थोड़ा सा टेंशन में है, तो उसको कूल भी करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगर आगे की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ लॉगिन कीजिए मेरी वेबसाइट पे जो है blackmud.co.in।